नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। हाँ दोस्तों, हमारे पास एक वाटर पंप आया, देखिए आप देख रहे होंगे, हमने पूरा खोल रखा पहले से ही। इसका वाटर सील और बेरिंग गया हुआ है दोस्तों। हम देखिए बेरिंग लेके आए हैं, एसकेएफ कंपनी का बेरिंग है ये, और ये हमारा ये वाटर सील है, ये 12 mm का वाटर सील लगेगा इसके अंदर। दोस्तों हमारा जो मोटर है ये आधे एचपी का मोटर है, आधे एचपी का बूस्टर पंप है ये। दोस्तों मैं बेरिंग खोल लेता हूँ, और दोस्तों हमारा बेरिंग बहुत अच्छी क्वालिटी है, एसकेएफ कंपनी का है। दोस्तों सबसे पहले मैं बेरिंग को खोल के इसमें ग्रीस भरता हूँ। दोस्तों बेरिंग के अंदर ग्रीस भरना ना भूलें, ग्रीस भरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रीस भर देंगे तो बेरिंग की लाइफ बढ़ जाती है। दोस्तों ये कस्टमर जो हमारा है, ये बेरिंग कंपनी में काम करता है, तो खुद बेरिंग लेके आया कस्टमर। ये बेरिंग मैं नहीं लेके आया हूँ, ग्राहक खुद लेके आया है। दोस्तों मैं सील निकाल लेता हूँ और ग्रीस भर देता हूँ। देखिए दोस्तों ग्रीस थोड़ा भी नहीं है, अगर आपने ग्रीस नहीं भरा तो बेरिंग कितना भी अच्छी क्वालिटी का हो वो खराब हो जाएगा, तो इसलिए ग्रीस भरना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हमारा ग्रीस का डब्बा ये, दोस्तों देखिए हमने इसकी पैकिंग बना लिया है, पैकिंग बना ग्रीस में डुबा के रखा था पहले से ही, हमारा पैकिंग रेडी है बिल्कुल लगने लिए। दोस्तों ग्रीस भरने से पहले अपने हाथ को साफ कर लें चुटकियों को, ऐसा ना हो कि गंदा रहे और अपने ऐसे गंदा भर दिया तो आपका बेरिंग खराब हो जाएगा, तो इसलिए ग्रीस के डब्बे को एकदम सही स्थान पर रखें ताकि धूल मिट्टी उसके अंदर जाने ना पाए, और अपने हाथ को भी साफ रखें। दोस्तों देखिए हमने ग्रीस भर दिया, अब इसी तरह हम दोनों बेरिंग में ग्रीस भर देंगे। दोस्तों देखिए हमने ग्रीस भर दिया दोनों बेरिंग में, अब दोस्तों क्या करना है, हाथ साफ करके सबसे पहले ग्रीस डब्बा बंद करता हूँ मैं। देखिए डब्बा बंद कर दिया हमने, अब पैकिंग साइड में रखता हूँ। अब दोस्तों क्या करना है, इसका जो वाटर सील का एक भाग है इसको निकाल लेता हूँ मैं, इसको निकाल दोस्तों, ऐसा निकाल, देखिए निकल गया ये, अच्छा टूट जा, देखिए निकल गए। इसका जो रबर है ये भी आप ऐसा डालें इस टेस्टर, इसको निकाल लें, देखिए हमने ये भी निकाल दिया है। अब दोस्तों नया वाटर सील ले लें, ये हमारा वाटर सील है। दोस्तों क्या करें, सबसे पहले आप इसको बिठाएं, दोस्तों इसके अंदर भी ग्रीस लगा दें, इसी को बिठाने में आसानी रहेगी, तो मैं इसके अंदर ग्रीस लगा देता हूँ। ग्रीस लगा के इसको एकदम सही से बिठा दें। दोस्तों देखिए हमने बिठा दिया, हमारा बैठ गया ये। दोस्तों इसको भी ग्रीस लगा दें, ग्रीस लगाने से क्या होगा, बिठाने में आसानी रहती है, इसलिए ग्रीस लगाना चाहिए। दोस्तों ये भाग थोड़ा बिठाने में तकलीफ होती है, तो जल्दीबाजी ना करें, बैठ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बैठेगा ये, लेकिन थोड़ा तकलीफ देता, जल्दी बैठता नहीं है। इसको ठोक सकते नहीं, अब ठोकेंगे तो आपका ये टूट भी सकता है, इसे ठोक पीट ना करें। दोस्तों आराम से बिठाएं, ऐसा इसके रबर से प्रेस करें। हाँ दोस्तों देखिए बैठ गया हमारा ये भी। अब दोस्तों क्या करना है, अब इसको आप ऐसे लें, और सबसे पहले दोस्तों आप ये बेरिंग को इस तरह से लें और इसको ठोक दें। दोस्तों बेरिंग ठोक ले क्या करना आपको, हाँ बेरिंग ठोकते समय अगर आपने यहाँ मारा तो आपको बेरिंग खराब हो जाएगा, तो मेरे पास दोस्तों स्टील का पाइप है, मैं पाइप डाला ये देखिए डाल के इसे ठोक दूंगा, और दोस्तों हमारा जो पाइप है एकदम अंदर वाला कोन है उसकी साइज का ही है, तो इससे कोई समस्या नहीं, मैं ठोक रहा हूँ, देखिए बैठ जाएगा ये, देखिए दोस्तों बैठ गया ये। इसी तरह आप ये पीछे वाले बेरिंग को भी सेम इसी तरह ठोक दें। दोस्तों आपको हथियार होना बहुत जरूरी है, हथियार रहता है तो क्या होता है, आपको काम करना आसानी होती है और प्लस आपका काम अच्छा होता है। दोस्तों देखिए
हमने 2 रुपये नहीं ठोक दिया, ग्रीस भर दिया पहले से ही। अब दोस्तों क्या करना है, अभी अपना जो रोटर है इसके अंदर बिठा दें। दोस्तों बिठाने से पहले दोस्तों देखिए हमारा ये रहता है, इसको लगा दें। इससे क्या होता है, अगर पानी कभी दोस्तों ये इसको डालने से पहले इसको डालना जो ज़रूरी है, एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा समझो है, ये क्या है सेफ्टी रहता है। अगर पानी मान लीजिए कहीं बाहर से गिर गया तो इसके अंदर जाता नहीं है और कचरा भी नहीं जाएगा उसके वजह से। इसको डालने से पहले सेफ्टी को इसको डाल दें, देखिए मैं डाल दिया है। फिर अभी क्या करें, इसको इस हल्का हल्का ठोक देंगे, ये बैठ जाएगा। दोस्तों हमारा ये बैठ गया है। अब दोस्तों क्या करें, इसको ऐसे रख लें। दोस्तों भी क्या करते हैं, डायरेक्ट पहले मोटर बिठा लेते हैं फिर बाद में इसको लगाने वाटर सिलम, इससे क्या होगा फ्री करने में आसानी रहेगी। दोस्तों इसको ऐसे बिठा दें। क्या नहीं पीछे कवर, दोस्तों स्टे डाल दें, स्टे डाल के हल्का हल्का ठोक दें। दोस्तों हमेशा इसको खाली ये देख लें कि सीधा हो, टेढ़ा ना हो पंप, खाली इतना देखना आपको। दोस्तों इसको हल्का हल्का टाइट करते जाए सभी नट को आराम से, ये अपने आप बैठ जाता है। हल्का डाइट करें फिट होके, देखिए बड़ा फ्री होना चाहिए मोटर, हाँ एकदम फ्री होना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए। तो हमारा मोटर एकदम फ्री है, बस खाली हम धीरे धीरे सब नट टाइट कर देंगे।
दोस्तों हमारा मोटर फ्री हो चुका है ये। अब इसको क्या करें, इसको ऐसा रखें सीधा, फिर अपना ये वाटर सील लें। दोस्तों वाटर सील के अंदर भी ग्रीस लगा दें, देखिए मैं इस तरह से ग्रीस लगा दें ऐसा, इससे जो रबर है आसानी से सरक जाएगा, इससे ग्रीस लगा रहा हूँ बस, बाकी दूसरा ग्रीस लगाने कोई कारण नहीं है। और फिर इस वाटर सील को इस तरह से पुश करें, पुश करते समय ध्यान दें दोस्तों इसके ऊपर रबर है एक, वो रबर सरक के ऊपर ना जाए, इस तरह से ग्रीस लगा दें पूरी तरह से और सरका दें। इसको आराम आराम से नीचे की तरफ ढकेल दें, दोस्तों इसके अंदर हमारा लॉक है ये देखिए, हम अपने आउटर नोच पकड़ की सहायता से इसको बिठा देंगे इसके अंदर, देखिए इस तरह से ले। दोस्तों हमारा ये नोच पकड़ जो है स्पेशल है इसीलिए, और दूसरे से कोई काम नहीं है, तभी इस तरह कोई आएगा तब इसकी उपयोगिता होती है, अन्यथा कभी हमेशा ये चुपचाप पर बैठा रहता है। दोस्तों सबके अंदर ऐसा लॉक नहीं आता है, ये बूस्टर पंप है, केवल बूस्टर पंप के अंदर ही इसके अंदर लॉक आता है, बाकी सादा जो पंप आता है उसमें लॉक नहीं आता है ये। हाँ दोस्तों देखिए हमारा ये बैठ गया, दोस्तों पहले इसके अंदर पानी डाल देंगे थोड़ा सा डाल के चेक कर लेंगे, क्योंकि ये पंप जो है एक बार फिटिंग करने में बहुत तकलीफ हुई दोबारा खोलने में, तो शुरू पानी डाल के चेक कर लेता हूँ मैं, कहीं पानी हमारा लीक तो नहीं है वाटर सेल से। हाँ दोस्तों हमारा वाटर सेल लीक नहीं है, देखिए पानी नहीं गिर रहा बिल्कुल भी। इससे क्या पहले चेक करने से क्या होता है, आपको दोबारा खोलने की समस्या नहीं होती है। जैसे कभी भी इस तरह का पंप बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले पानी के चेक कर लें, क्योंकि अगर फिटिंग हो गया तो जो दूसरे पंप आते हैं सारे वाले पंप उसमें क्या है मगजमारी कम है, इसमें क्या मगजमारी ज़्यादा है। अब दोस्तों उसको फिटिंग करना अपने को, इसमें दोस्तों आप कट देख रहे हैं, ये कट, ये कट आपको दिख रहा है, हमेशा आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए ये हमारा पंप है, जो हमारा कट है ये वाला हमेशा ऐसा आना चाहिए, ये देखिए ऐसे इस तरह से आना चाहिए, ये ठीक ऐसा आना चाहिए। अब ये देख रहे लॉक जहाँ बोर्ड लगता है, हमेशा इसके सीध में रखें पहला वाले का, और दूसरा जो बिठाएंगे दूसरा वाले का इसके सीध में रखें, ये देखिए एक तरह समझ लें कि आपको ये होल दिख रहा है जहाँ बोर्ड लगा, चारों बोर्ड लगाते हैं हम 1 2 3 4, तो ऊपर साइड में इधर रखें और दूसरे वाले को ऐसा रखें, इस तरह से डालना है आपको, फिर आपको कुछ देखना भी नहीं है, इस तरह से देख के डाल दें। अब दोस्तों पहले पैकिंग डाल लेता हूँ फिर आप मैं डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमने 4 पैकिंग बनाया था, पहले इसका बोला था आपको, ये 4 पैकिंग जो है 2 पैकिंग जाड़े हैं और 2 पैकिंग पतले हैं। जो जाड़े पैकिंग हैं वो दोनों आउटर साइड वाले हैं, जो पतले पैकिंग हैं वो इनर साइड वाले हैं। तो हमारा जाड़ा पैकिंग डालता हूँ उसके ऊपर। दोस्तों इसके अंदर पहले से मैं ग्रीस लगा के रखा हूँ, इसलिए हमारा पैकिंग पूरी तरह से एकदम मस्त ग्रीस में भीग गया है। अब इसको क्या करें, जो हमने बताया पहले ही आपको, ऐसा सीध में रख के बिठा दें। तो उसके पोजीशन याद रखें, हमने आपको क्या बोला, देखिए हमारा ये होल जो है इधर पे आना चाहिए ऐसे, उसके बाद क्या करेंगे हम इसको ऐसे रख लें, फिर हमारा ये लॉक है, ये लॉक को बिठा दें, दोस्तों हमारा लॉक बैठ गया।
अब दोस्तों क्या करें, अंपर को डाल दे लॉक के सेंटर में लेके। इसके बाद दोस्तों पाइप ज़रा ठोकें, ये मेरा पाइप है, इस पाइप से ठोकूँगा सीधा बीच बीच ठोकें। यहाँ पर दोस्तों गलती से मारना नहीं है कि आपने यहाँ मार दिया तो बेंड हो जाएगा, और बेंड हो जाएगा तो मोटर जल्दी फ्री होगा। दोस्तों ये अम्प्रो जो है ये बहुत खास है, इसके लिए इसको जब बनाए इस टाइप का पंप तो बहुत सावधानी रखें कि अगर थोड़ा बेंड हो गए तो मोटर फ्री करने में बहुत तकलीफ देता है। इसलिए जब कभी आपको अम्प्रो निकालना हो तो हमेशा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अम्प्रो इसके सहारे ही निकालेंगे, यहाँ पूरा लगाने से बेंड हो जाता है हमेशा। इसलिए मैं दोस्तों कभी भी निकालता हूँ तो मैं इसके साथ ही निकालता हूँ इसको, इससे क्या होता है इसके सहारे निकालेंगे आप तो बेंड होने का कोई चांस नहीं है। दोस्तों फिर हमारा पतला पैकिंग है, ये पैकिंग डाल दें। दोस्तों मैं पहले पैकिंग बनाया दो इसके लिए, लेकिन मैं पहले एक पैकिंग डालूंगा और फिर डाल के मोटर को पहले फ्री करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पैकिंग डाल देंगे और फिर मोटर के अंदर ये जो है अम्पुलर, इस अम्पुलर इसके ये जो कवर है ये वाला कवर, इसके बीच अगर फ्री हो जाता है ज़्यादा तो इसका प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि आपको एक से ही फ्री करना है, अगर एक से फ्री ना हो तो दूसरा पैकिंग डालें। मैं दोस्तों हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक से ही फ्री किया जाए। दोस्तों हल्का हल्का ठोक दें इस तरह से, क्योंकि ज़्यादा पैकिंग डालेंगे तो आपको मोटर तो फ्री हो जाएगा तुरंत, लेकिन फिर क्या होगा पानी का प्रेशर कम हो जाएगा। दोस्तों मैंने पैकिंग बनाया दो अंदर के लिए, लेकिन डाल रहा एक ही सिर्फ, अगर नहीं फ्री होगा तो फिर दूसरा पैकिंग डालेंगे, फ्री हो गया तो पैकिंग नहीं डालेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, ये आपको नट बोल्ट ला देना है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप खुद जानते होंगे। इसको हम फटाफट डाल लेते हैं। दोस्तों हमने चारों बोल्ट लगा दिया है, दोस्तों इसको आराम से स्टार्ट करें, सभी को बारी बारी करें, ऐसा नहीं कि आपने एक ही कर दिया, नहीं जो पैकिंग पर कर सकता है तो आप थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर दें। मैं दोस्तों देखिए थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ, एक करें फिर दूसरा करें फिर दूसरा करें तीसरा करें, इस तरह से सामने सामने देख कर दें। दोस्तों इसको फुल टाइट करना है, आपको ढीला नहीं छोड़ना है कि मोटर फ्री नहीं होगा, फ्री भी करना है और फुल टाइट भी करना है। कभी हम सोचेंगे ज़्यादा टाइट कर देंगे ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा फ्री नहीं होगा, तो ऐसे डरे नहीं, क्योंकि डरने से काम होता नहीं है, बिंदास करें, अगर आप सही से काम कर रहे हैं तो आपका फ्री होना ही है मोटर को, ऐसा नहीं कि मोटर फ्री नहीं होगा, क्योंकि जब मोटर आया था तो फ्री था ना। दोस्तों हमने जो बताया आपको अम्प्लॉन निकालने टाइम पे, आप अम्प्लॉन निकालने टाइम पे कोशिश करें कि उसका जो कवर है पीछे वाला उस कवर के साथ ही निकालें बस। इस पंप के अंदर खास बात है, अगर आपने अम्प्लॉन को अकेला निकाला कवर के बिना तो फिर आपको फिटिंग में तकलीफ देगा ये, अगर आपने कभी भी अगर अम्प्लॉन को कवर के साथ निकाला है तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आपका मोटर आराम से फ्री हो जाएगा। दोस्तों हमारा मोटर भी जाम दिख रहा है, एक बार ज़रा घुमा के देखता हूँ पकड़ से मैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमारा दिखता है जाम है ये, लेकिन आप हाथ से घुमाएंगे तो फ्री घूमेगा तो ठीक है। दोस्तों हमारा मोटर घूम रहा है, फिर क्या करें एक एक फटके आगे पीछे दे दे, देखिए इसको फटका आपको कहाँ देना है अब ध्यान दे दें, ठीक इससे जहाँ बेरिंग बैठता वही दे, देखिए मैं यहाँ मार रहा हूँ, अब इसी तरह ठीक आगे एकदम सेंटर में जो आपका सफ्टिंग का सीट है वहाँ माने। हाँ दोस्तों देखिए हमारा एकदम फ्री हो चुका है, ये एकदम फ्री हो गया है। दोस्तों एक बार फिर चेक कर लें कि आपका नट बोल्ट टाइट हुआ, कोई ढीला तो नहीं रह गया, कि हमने बोला आपको ये
एकदम फुल टाइट करना है, ढीला नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप ढीला छोड़ देंगे तो आपका पंप लीक हो सकता है, आपका प्रेशर बनेगा नहीं। दोस्तों देखिए, हमारा टाइट हो गया है। हम दोस्तों क्या करेंगे, हमारा ये पीछे वाला कवर लगा देते हैं, ऊपर का हैंडल, और प्लस इसमें कैपेसिटर आता है वो कवर लगा देते हैं हम। दोस्तों लग गया ही, अब इसके हम दो स्क्रू लगा दे टाइट करते हैं। दोस्तों इसको टाइट करें आराम से, क्योंकि प्लास्टिक है टूट जाएगा ये, एकदम प्यास टाइट करें। दोस्तों देखिए टाइट कर दिया हमने। दोस्तों इसे कनेक्शन कर दें हम, एक बार चला के चेक करते हैं, फिर बाद में पानी लगा हम चेक करेंगे प्रेशर से कैसा है। दोस्तों ने कनेक्शन कर दिया है। दोस्तों इसका कनेक्शन एकदम पंखे जैसा ही है, एक रनिंग स्टार्टिंग कॉमन है, और कैपेसिटर में एक रनिंग जुड़ा है, एक स्टार्टिंग जुड़ा हुआ है। दोस्तों सबसे पहले कोई मोटर बनाए तो बॉडी शॉट जरूर चेक करें, आपने वाइंडिंग नहीं किया तो भी। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बॉडी शॉट चेक करूँगा। दोस्तों हमारा बॉडी शॉट नहीं आ रहा है। अब दोस्तों मोटर चला के चेक करता हूँ मैं। हाँ दोस्तों देखिए, हमारा मोटर एकदम स्मूथ है, एकदम टनाटन चल रहा है। दोस्तों क्या करेंगे, मैं इसे पॉइंट आके चेक कर लेता हूँ। दोस्तों मैं इसको डायरेक्ट फिटिंग करके फिर चेक करता हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है तो ये रिस्क लेना ठीक नहीं है। दोस्तों इसको डायरेक्ट कनेक्शन करता हूँ मैं, सिर्फ चेक कर लेता हूँ हमारा मोटर उल्टा घूम रहा है सीधा घूम रहा है, उसके बाद मैं डायरेक्ट आसिन प्रेशर चेक करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा प्रेशर सही रहेगा। हाँ दोस्तों हमारा मोटर सीधा ही घूम रहा है। अब मैं इसको पूरा पैक कर देता हूँ, फिर चेक करता हूँ प्रेशर को, क्योंकि हमने कहा हमारा हमको पता ही है कि हमारा प्रेशर सही ही रहेगा। दोस्तों मैं इसको कनेक्शन कर देता हूँ। दोस्तों पहले क्योंकि हमारा कनेक्टर ये जंग लग गया है, तो इसके लिए दोस्तों इसमें टेप मारना पड़ेगा, टेप मारता हूँ डायरेक्ट। दोस्तों इसका कनेक्शन जो है एकदम सीलिंग फैन जैसा ही है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। रनिंग स्टार्टिंग को जोड़ के हमने बना दिया कॉमन, और एक जोड़ दिया कैपेसिटर रनिंग में, और एक जोड़ दिया कैपेसिटर स्टार्टिंग में। और जो स्टार्टिंग वाला वायर है उसको देखिए मैं टेप मार रहा हूँ। दोस्तों देखिए टेप मार दिया हमने। अब दोस्तों से तो गांठ मार दे, नहीं तो क्या है खींचेगा कस्टमर तो निकल जाए। दोस्तों देखिए हमने वायर जोड़ दिया है, एक कॉमन में और एक रनिंग वाले वायर में। रनिंग और जो कैपेसिटर जुड़ा साथ में था, एक उसमें दिया हमने कनेक्शन, और एक रनिंग और स्टार्टिंग जो साथ में है कॉमन उसमें दिया कनेक्शन। दोस्तों देखिए हमारा ये हो गया ओके कनेक्शन। अब इसको कैपेसिटर को डाल दें अंदर, इसका जो कवर है ये कवर लगा दें। दोस्तों देखिए हमने ऊपर का कवर भी लगा दिया, और ये पीछे का भी कवर लगा दिया, और पंखी भी लगा दिया। अब दोस्तों हम एक बार डायरेक्ट चेक करते हैं हमारा प्रेशर कैसा है। दोस्तों देखिए हमने वायर लगा दिया है, अब मैं चेक कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए हमारे हाथ उठ रहा है, थोड़ा पानी और डाल देता हूँ मैं, कि पानी इसमें कम है। दोस्तों बिना पानी का पंप चालू ना करें, बिना पानी का पंप चालू करें आपका वाटर सी खराब हो जाएगा, तो इसमें पानी जरूर भरें। अगर आपको एक मिनट के लिए चालू करना है तो ठीक है। अब दोस्तों फिर चालू की देखता हूँ चालू करके। हाँ दोस्तों देखिए हमारे हाथों कितना देख खींचा, देखिए देखिए हाथों कितना देख खींचा है, हाथ दिख रहे तुम्हें। देखिए दोस्तों मेरे हाथ में देखिए कितना देख खींच रहा है, देखिए हमारा प्रेशर कितना अच्छा है। दोस्तों देखिए हमारे मोटर का प्रेशर देखिए कितना मस्त प्रेशर आया है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए,
और अभी तक अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।